इस स्टूडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कोई आकृति नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा कुछ इस तरह का एक आकृति बनेगा, जिसमें हमें कहा गया है कि जो कोण सी है, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें कहा गया है कि AB 9 मीटर है, तो AB हमारी ये वाली भुजा है जो कि 9 मीटर है, और इसके अलावा BC 12 मीटर, तो BC ये है जो कि 12 मीटर है, और CD 5 मीटर है, तो ये हमारी CD 5 मीटर, और इसके अलावा AD हमें 8 मीटर दिया गया है, यानी कि ये वाली भुजा 8 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा ये चतुर्भुज है, हम इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें दो त्रिभुजों में बांट देना पड़ेगा। वो हम कैसे बांटेंगे कि ये जो बी और डी है, इन दोनों को हम मिलाएंगे। तो इस तरह से हम बी और डी को इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा चतुर्भुज है, ये दो त्रिभुजों में बट गया। एक तो हमारा ये BCD त्रिभुज, यानी कि ये वाला, और एक ये ABD त्रिभुज, यानी कि ये, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस चतुर्भुज के आकार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या किए हैं कि बिंदु B और D को मिलाए हैं। तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु B तथा D को मिलाया। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो इसमें हमारा ये त्रिभुज BCD है, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर कोण C जो है ये 90 डिग्री का है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा, जैसा कि एक सूत्र होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा त्रिभुज BCD है, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कि त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हम इसको लिख दिए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले अब इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। और देखिए, जैसा कि हमने अभी बात किया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमारा 1/2 ये सेम आ जाएगा, गुणा आधार, यानी कि बेस क्या है इसमें, इस वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए, ये इसकी आधार हो जाएगी जो कि 12 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणा ऊंचाई कितनी है, यानी कि हाइट, ये जो है हमारी हाइट है जो कि 5 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखिए, 2 × 2, ये 2 × 12 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 6 × 5, 6×5 = 30 हो गया। तो इस तरह से 30 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि BCD त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ABD त्रिभुज का। तो देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, लेकिन इसकी हमें सिर्फ 2 भुजाएं पता है, ये वाली जो तीसरी भुजा BD है ये हमें नहीं पता। तो देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो भुजा है ये इस वाली त्रिभुज की भी भुजा है। तो ये वाला त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय यूज करके, और ये जो भुजा है ये ज्ञात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये देखिए हमारा ये कर्ण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम BD ये ज्ञात करेंगे कि कितना होगा, ठीक है।
तो देखिए बीडी हमारी ये है, इसको ज्ञात करने के लिए जैसा कि अभी हमने बात किया, हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, और जैसे कि आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें हमारा कर्ण ही निकालना है, तो हमारा इसमें कर्ण क्या है, बीडी है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम बीडी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए लंब हमारा ये हो जाएगा जो कि 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा ये है बीसी जो कि 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा BD का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144। अब देखिए यहाँ से तो हमारा BD का स्क्वायर बराबर आया है, लेकिन हमें यहाँ पर BD का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए BD का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ पर 25 प्लस 144 कितने हो जाएंगे 169। तो यहाँ पर हमारा BD बराबर 169 आ गया अंडर रूट में। अब यहाँ से हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसके हम गुणनखंड लिखेंगे 169 के, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13 गुणा 13। ठीक है, अब इस जोड़े को हम एक बार लिख लेते हैं वर्गमूल के बाहर, तो ये हमने लिखा 13। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा जो BD का मान है ये कितना आ गया 13 मीटर, यानी कि ये जो BD जो तीसरी भुजा है इस वाले त्रिभुज की, ये 13 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि आसानी से हीरोन का सूत्र लगाकर और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हीरोन का सूत्र लगाएंगे उसमें हमें सबसे पहले एस का जरूरत होता है, यानी कि अर्ध परिमाप का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसके लिए हम इसकी तीनों भुजाओं को ए, बी और सी मान लेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी ए जो है ये 9 मीटर है, इसके अलावा बी मान लेते हैं ये 13 मीटर हो जाएगा, और इसके अलावा जो सी यानी तीसरी भुजा है ये 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा S यानी कि अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A कितना है 9, प्लस B कितना है 13, प्लस इसके अलावा C कितना है 8, और बटे में 2। तो यहाँ से हम तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 30 बटे में 2। तो यहाँ से हम 2 से 30 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, यानी कि S का मान हमारा आ गया 15। अब हम इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हमारा हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये होता है अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी, यही होता है। तो हम इस सूत्र में मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें जैसा कि पता है कि S का मान कितना है, ये 15 है, तो 15 लिखेंगे। फिर इसके बाद S माइनस A है, यानी कि 15 माइनस A का मान कितना है 9, तो ये आ जाएगा 9। फिर इसके बाद S माइनस बी, यानी कि 15 माइनस बी का मान है 13, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। और इसके बाद S माइनस सी, यानी कि 15 माइनस सी का मान है 8, तो ये हो गया 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा वर्गमूल में कितना आ जाएगा, ये 15, यहाँ से 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा 6, और ये हमारा 15 माइनस 13 2 आ जाएगा, इसके अलावा ये 15 माइनस 8 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक कर लिया हमने। अब देखिए इसके अलावा हम क्या करेंगे अब कि इसमें आगे इसको सॉल्व करने पर हम क्या करेंगे अब कि इन सभी के हम गुणनखंड लिखेंगे, क्योंकि हम अब इन सभी को वर्गमूल के बाहर लिखते हैं। तो देखिए 15 को हम यहाँ पर 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा हम 6 को 3 गुणा 2 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 5 * 15 होता है और 3 * 6 होता है, और 2 को हम एज इट इज लिखेंगे, इसके अलावा 7 को भी हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इन सभी में से किस किस का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए हम इसको एक बार वर्गमूल के बाहर लिख लेंगे। इसके अलावा 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी बाहर लिख लेंगे।
इसके अलावा देखिए 5 और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इनको हमें वर्गमूल के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 7, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 3 × 6 वर्गमूल 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6 वर्गमूल 35 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। इस आंसर को मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारा आया है 6 वर्गमूल 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वर्गमूल 35 आया है इसका अब हम मान लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 6 × वर्गमूल 35 का मान कितना होता है, ये हमारा होता है 5.91। आई होप आपको वर्गमूल 35 का मान निकालने आता होगा, आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, कक्षा 8 में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे 5.91 से, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 35.5। ठीक है, और ये जो हमारा आंसर है ये लगभग में है, क्योंकि अगर आप 6 को गुणा करेंगे 5.91 से तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 35.46। और देखिए 46 जो है ये हमारा ये 50 के आसपास है, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखे हैं, क्योंकि 50 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद जो हमारा जीरो होता है इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिखा है 35.5 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देंगे आगे लगभग। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए हमारा ये आ गया यहाँ पर 35.5 मीटर स्क्वायर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाला है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा इसमें ये चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है ये इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम इस बात को लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ बी सी डी, यानी कि त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ए बी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम मान रख देंगे हमारा बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया है, ये हमारा आया है 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30 प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आया है 35.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 35.5। ठीक है, तो देखिए 30 और 35.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, और इसके आगे हम लिख देंगे लगभग, क्योंकि ये हमारा लगभग में आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। और अगर आपको इस तरह से वर्गमूल 35 या फिर किसी भी और संख्या का वर्गमूल का मान नहीं निकालने आता है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के और समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, धन्यवाद।